नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में डायरी के एक पेज ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। मृतक के पिता ने सोमवार को बताया कि बेटी रोज दिन भर की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखती थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को दिन में भी उसने कुछ पेज लिखे थे। इनमें से एक पेज की फोटो खींचकर मुझे भेजी थी। पुलिस को मिले डायरी से यह पेज भी गायब है। इस पेज में क्या लिखा है इस पर पिता ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि अस्पताल के मौजूदा हालात का जिक्र बेटी ने किया था। पिता के बयान पर सीबीआई टीम सोमवार दोपहर बाद उनके घर पहुंची और उस पेज की तस्वीर ले ली। पिता ने आरोप लगाया है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि डायरी के कई अहम पन्ने पुलिस ने ही फाड़े थे। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले के भले ही सिविक वॉलंटियर संजय राय पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन केस के केंद्र में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ही नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि संदीप ने घटना के एक हफ्ते पहले अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मैसेज डिलीट कर दिए थे। कई नंबर भी फोन से हटाए गए थे। सीबीआई अब इसी डेटा को फोन से रिकवर कर रही है। सीबीआई 4 दिन से उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन करीब 7 सवाल ऐसे हैं जिनके स्पष्ट जवाब घोष नहीं दे पाए। एक अधिकारी ने बताया कि घोष नहीं बता रहे कि उन्होंने शव की सूचना मिलने के बाद दूसरे डॉक्टरों और कर्मचारियों को सेमिनार हॉल में जाने की इजाज़त कैसे दी। जांच में ये भी पता चला है कि जानबूझकर सबूत मिटाए गए। जो लोग सबसे पहले सेमिनार हॉल में पहुंचे उन्होंने शव को छुआ था। इससे कैमरे में कई निशान बिगड़ चुके हैं। घोष से जब कमरे में जाने वाले लोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पुलिस को 2 घंटे देरी से सूचना क्यों दी गई। वहीं इस केस में स्थानीय पुलिस सीबीआई के शक के घेरे में होने की खबर है, क्योंकि उन्होंने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज नहीं किया। एजेंसी पता लगा रही है कि क्या घोष के कहने पर ऐसा किया गया। सेमिनार हॉल की दीवार तोड़कर अगले दिन ही मरम्मत का काम कैसे शुरू हो गया। जांच एजेंसी अब तक चेस्ट मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख मृतक के कई सहयोगियों और ड्राइवरों समेत 60 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि शव सेमिनार हॉल में मिला था, लेकिन पूछताछ में साबित नहीं हो पा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहां की गई। यह तय है कि घटना एक से ज्यादा लोगों ने की है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।